हमें इंटीग्रल निकालना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स के रिस्पेक्ट। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टर करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में टू इंटू में एक्स इंटू में वन बाई टू डिवाइड किए, तो वन बाई टू का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस वन माइनस वन बाई फोर, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस में थ्री बाई फोर, यानी लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। यहाँ रख देते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर आपका एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर dx। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में आपका ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन और बाई में टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर बाई में टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू प्लस में रूट अंडर एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में सी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम ले लें क्या, ऊपर टू टू एक्स प्लस का वन और बाई में टू रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर थ्री बाई में फोर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का वन बाई टू प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन और प्लस में सी। अब इसके बाद देखिए इंटू हो जाएगा तो टू एक्स प्लस का वन बाई में फोर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन प्लस में थ्री बाई एट लॉग, इसको चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, टू टू एक्स प्लस का वन बाई टू प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं इंटीग्रल